Hello everyone, welcome to my channel Just Glow. So yesterday, that is 19th of March को मैं स्लेट 2023 का एग्ज़ाम दे के आई हूँ एंड सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग वीडियोस ऑन दिस 10 days. मैंने ब्रेक लिया था यूट्यूब से एक्चुअली. तो कमिंग टू द पॉइंट कि एग्ज़ाम कैसा गया, तो एग्ज़ाम को मैं ख़राब भी नहीं बोल सकती या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ ऐसा भी नहीं बोल सकती, लेकिन आपसे ये कहना चाहती हूँ आई एम रेडी फॉर द रिज़ल्ट, चाहे पॉजिटिव आए या फिर नेगेटिव आए. ओनली मैटर्स इज कि मैं कितना इम्प्रूव कर रही हूँ. लास्ट जब आंसर की आएगा उसके साथ मैं अपना आंसर जो भी OMR शीट आता है उसके साथ मैं चेक करूँगी. मतलब OMR शीट के नीचे एक उनका पेपर होता है, तो जब हम सर्कल करते हैं उसमें भी आ जाता है, तो हम इस तरह से आंसर की के साथ चेक करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा आएगा रिजल्ट. अभी तो आंसर की नहीं आने वाला, तो इसके द्वारा हम क्या, अगर 2022 से मेरा मार्क इंक्रीज होगा तो दैट मीन्स आई एम इम्प्रूविंग. चाहे रिजल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैं तो इस तरह से सोचने वाली आदमी हूँ. क्योंकि रिजल्ट अगर नेगेटिव आया तो दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास, या तो आप डिप्रेस होके रह जाए कि मुझसे तो नहीं होगा, और या फिर आप उस नेगेटिव नेगेटिव रिजल्ट को इस पॉजिटिव वे में आप ले सकते हो कि हाँ मैंने इम्प्रूव किया. दैट मीन्स इस तरह से थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करके ही आप सक्सेस पा सकते हो. मैं इस तरह से सोचती हूँ एक्चुअली. एंड इन दिनों में मैंने और कुछ रियलाइज़ किया. मैं क्या कर रही थी, पहले पढ़ रही थी फिर रिवाइज कर रही थी. तो क्या हुआ कि जो पहले यूनिट पढ़ा था मैं, बाद में जब मैं सेकेंड रिवीजन पे आई वो ना मैं थोड़ा भूल गई थी. तो दिस टाइम आई विल बी चेंजिंग माय स्ट्रेटेजी. मुझे लगता है दिस विल बी द बेटर स्ट्रेटेजी फ्रॉम द प्रीवियस वन. इसमें मैं क्या करूँगी, दो यूनिट को एक साथ लेके चलूँगी. एक होगा फ्रेशली जिसका कॉन्सेप्ट थोड़ा कम जानते हो, और सेकेंड होगा रिवीजन. दैट इज 6 आवर्स करके मैं इसको भरूँगी. एंड या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज मस्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, मुझे रियलाइज़ हुआ. एंड मैं आपसे पहले भी बोलती आ रही हूँ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करती हूँ, लेकिन शायद कम कर लिया था मैंने. लेकिन अभी जो मैंने स्लेट एग्ज़ाम दिया है, पॉजिटिव आए या फिर नेगेटिव आए, दिस मस्ट बी बेनिफिटिंग दिस मस्ट बी बेनिफिट माई प्रिपरेशन फॉर CSNET. इसको मैं इस तरह से लेके चलूँगी. या एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो. एंड मैं आपके साथ अपना क्या क्या किस किस यूनिट के लिए कौन सा बुक पढ़ रही हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी. तब तक के लिए बाय बाय.